साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स। सो साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई एंडोस्पोर्स और एंड एक्सोस्पोर्स। सो वी विल लर्न दीज थिंग्स व्हाट इज विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन देम। ये क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सोस्पोर्स से कैसे करते हैं, एंडोस्पोर्स से कैसे करते हैं, दैट वी विल लर्न। ओके, सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो आपको इससे थोड़ा सा हटके फिर इन दोनों में हम पिकअप कर लेंगे कि एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है साइनोबैक्टीरिया के केस में या किसी भी बैक्टीरिया के केस में या फिर मोनेरंस या मोनेरंस जो है उनके में कैसे होता है। नाउ हियर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज टेकिंग एसेक्सुअली। सो रिप्रोडक्शन बाई एंडोस्पोर्स तो एंडोस्पोर से क्या होता है, जैसे एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ओनली इन फ्यू बैक्टीरिया इन एडवर्स कंडीशन द एंडोस्पोर्स आर द रेस्टिंग स्पोर्स एंड रिप्रेजेंट द रेस्टिंग स्टेजेस ऑफ बैक्टीरिया। द प्रोटोप्लास्ट बिकम राउंडेड एंड सेक्रीट्स ए हार्ड रेजिस्टेंस वॉल अराउंड इस जिसको सिस्ट कहा जाता है। दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर एज आइस एज हाई एज बॉइलिंग वाटर। तो अपने चारों तरफ ये सिस्ट बना लेता है। नाउ अब वो सिस्ट तभी टूटता है when it is getting the suitable atmosphere, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एंडोस्पोर बन गया। सो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, तो इसमें यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर जिसमें कि यहाँ देखो a kind of endospore is formed. So they withstand dry condition and remain alive in poisonous chemical substance. So endospores are endospores क्या होते हैं, ये चारों तरफ endospores बना दिया तो बीच में यहाँ पर क्या क्या है, ये DNA है इसका, ठीक है। इसके अलावा DNA के बाद एक सेल वॉल भी होगी क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो सेल वॉल होगी। और क्या क्या चीज़ें इसमें, ये राइबोसोम्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं। सो दीज आर राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स हो गए। इसके अलावा देयर आर कोर वॉल एंड आउटसाइड इट इट इज सच एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सो लेट अस राइट समथिंग अबाउट इट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन बाई एंडोस्पोर। एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ठीक है ओनली इन फ्यू बैक्टीरिया
अगर वो हार्स कंडीशन में रहेंगे, जैसे कि यू बैक्टीरिया टाइप होते हैं हार्स कंडीशन में, तभी सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, और अगर नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही बाइनरी फिजन हुआ वैसे सेल टूटे, फिर वहाँ एंडोस्पोर की क्या जरूरत है, ये देखो। फिर वहाँ पर अगर नॉर्मल कंडीशन है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ एंडोस्पोर, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि मान लीजिए एक से दो बने लेकिन अभी बाहर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, दे विल बी मल्टीप्लाइड विद इन इट एंड अल्टीमेटली मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, और देयर विल बी सम सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड इट एंड इट विल बस्ट ओनली अंडर सूटेबल कंडीशन। इस तरीके से होगा। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार तरीके से इनका होता है रिप्रोडक्शन, एंडोस्पोर से, एक्सोस्पोर से, कंजुगेशन से, और ट्रांस डक्शन से, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पांच तरीके का इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला तो इन बैक्टीरिया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि यहाँ पर एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ओनली इन फ्यू बैक्टीरिया इन एडवर्स कंडीशंस, इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है। नाउ रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया विच इज कोटेड विद अ हार्ड सिस्ट, इट इज रेस्टिंग। बाहर से ऐसा देखने पे लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया इन विच दो न्यूक्लियस गेट सब डिवाइडेड एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड कैरियोकिनेसिस टेक्स प्लेस बट दे ऑल रिमेन विद इन द सेल वॉल, जैसे प्लाज्मोडियम में होता था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। सो इन विच डी एन ए कंटिन्यू टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट एंड कैरियोकिनेसिस टेक्स प्लेस। कैरियोकिनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन टेक्स प्लेस बट साइटोकिनेसिस नॉट टेक्स प्लेस। प्लेस एंड ऑल जेनेटिक मटेरियल पहली बात तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि मोनेरन्स है, तो कैरियंस की जगह आप इसे ये कह सकते हो कि इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूक्लियॉइड, जो कि वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है ना। तो एंड ऑल जेनेटिक मटेरियल रिमेन कवर्ड इनसाइड हार्ड कोट अंडर एडवर्स कंडीशन। दिस इज, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स शुगर का कोट होता है। दिस इज अ हार्ड कोर जो कि सिस्ट भी कहलाता है, मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर विच अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो कि फेवरेबल कंडीशन आती है तो टूट जाता है। सो विच अंडर फेवरेबल कंडीशन बस्ट तो दिस इज एंडोस्पोर। अब जरा देखें कि
नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन बाई एक्सोस्पोर्स। तो एक्सोस्पोर्स भी इसमें होता है। जस्ट इन मिनट। रिप्रोडक्शन बाई एक्सोस्पोर्स। रिप्रोडक्शन बाई एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स में क्या है और एंडोस्पोर्स में क्या है, इन दोनों में जरा फर्क है। मान लीजिए यहाँ पर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल में, तो हमने कहा कि एंडोस्पोर्स है कि विद इन सेल दे आर सब डिवाइडिंग। जैसे कि एक कोट है और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सब डिवाइड हो गया तो ये डीएनए रेप्लिकेट हो गया, फिर और आगे क्या हुआ, फिर और सब डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से ये हार्ड कोट के अंदर ये रेप्लिकेट होता चला जा रहा है एंड फाइनली इट गेट कलेक्टेड विद इन इट। तो इस तरीके की कंडीशन है, दैट इज रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर। हाउएवर रिप्रोडक्शन बाय एक्सोस्पोर क्या है, इन दिस केस दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर बैक्टीरियम, बैक्टीरिया में पाया जाता है रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर हार्श कंडीशन, जिसमें कि So, इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है अंडर हार्श कंडीशन। नाउ एक्सटर्नल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई सेल डिविजन आइदर एंड ऑफ द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। सो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जो यहाँ पर होता है तो इसमें एट आइदर एंड पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर स्पोर बनता है, और फाइनली क्या होता है कि ये इसमें से बाहर चला आता है, बाहर चला आता है और फिर उसके ऊपर कोट लग जाएगी। इट इज लाइक दिस कि अगर हम देखें तो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर में क्या अंतर है, अगर अंदर है विद इन द सेल स्पोर बन रहे हैं और एक एक्सोस्पोर यानी स्पोर का फॉर्मेशन सेल के बाहर हो, सो दैट इज एक्सोस्पोर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर्स, ठीक है। सो इट इज एंडोस्पोर्स क्या है, फॉर्म्ड विद इन द वेजिटेटिव सेल, एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आइदर वन ऑफ द एंड ऑफ द वेजिटेटिव सेल और ऑन द सरफेस ऑफ सेल, इसमें सरफेस पर ही बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट वेजिटेटिव सेल, जबकि एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल, बडिंग होती है, तो ये बडिंग का फिनोमिना है, जो दूसरा वाला फिनोमिना बताया जा रहा है इट इज ऑफ बडिंग। दे आर हाईली ड्यूरेबल होते हैं एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट कंडीशन, ये ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, दे डू नॉट कंटेन
डाइपिकोलिनिक एसिड, सो इसलिए ये ज़्यादा बियर नहीं कर सकते एक्सोस्पोर्स, उतना ज़्यादा हार्श नहीं है। डेसिकेशन ये भी है, हाईली रेजिस्टेबल ऑफ डेसिकेशन इन इट, अगर गर्मी बहुत हो तो रेजिस्टेंट है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग सेल्स, तो इनको कहा जाता है ये सभी पर है, फ्रीजिंग में है, टॉक्सिक केमिकल सब में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि वो हीट पर ही केवल सर्वाइव कर सकते हैं। ये बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो डिवीजन होगा, इसे ना रखें, इसको हटा दें, बस ये बाहर में होता है। इट इज ए काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस। तो पहले वाला केस क्या था कि न्यूक्लियस अंदर है, लेकिन अंडर हार्श कंडीशन में जो इसके दो सेल बनेंगे, दे गो टू टर्मिनल एंड ऑन सरफेस ऑफ सेल, वो सरफेस ऑफ सेल पे बनते हैं। न्यूक्लियस इसमें था लेकिन वो डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद वो सरफेस के बाहर आ गया, इस तरीके से समझिए। तो और फिर बाद में उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, सिंगल न्यूक्लियस था, हाउ एवर आफ्टर डिवीजन इट हैज़ गोन टू दिस। सो लेट अस राइट डाउन अबाउट इट समथिंग कि एक्सोस्पोर्स टेक्स प्लेस अंडर हार्श कंडीशन एंड इन दिस केस फॉर्म्ड वन एंड ऑफ वेजिटेटिव सेल या सरफेस ऑफ सेल, एंड ये जो एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोर ही कहना ठीक है क्योंकि अभी ये न्यूक्लियस नहीं है ना, ऊपर के केस में नहीं है, तो ये स्पोर है, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, आर फॉर्म्ड ऑन एंड्स ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑन एंड्स ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, या सरफेस ऑफ सेल। तो इसलिए इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन बाई एक्सोस्पोर्स, बाहर का स्पोर है तो एक्सोस्पोर, अंदर का है तो एंडोस्पोर, इस तरीके से इन्हें हम डिफाइन करेंगे। नाउ देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर्स, सो इट इज फॉर्म्ड विद इन इनसाइड द सेल्स, सो सच स्पोर्स, फिर ये हवा में तैरते रहते हैं इसलिए इनको स्पोर्स कहते हैं, सच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, दे आर वेरी लाइटर विद इन द वेजिटेटिव सेल, और ये सच स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ सेल, फिर दे आर कॉल्ड, दे आर हाईली ड्यूरेबल, तो ये चीज हो गई, दे आर हाईली ड्यूरेबल, कहाँ कहाँ पर, इन फ्रीजिंग एंड टॉक्सिक केमिकल्स, और डेसिकेटर का मतलब जिससे हीट दी जाए, सो दीज आर हाईली ड्यूरेबल टू हीट एंड डेसिकेशन, ओवन में डाल दो, डेसिकेट कर दो, तो भी ये ड्यूरेबल है, सो डेसिकेशन, इट इज डेसिकेशन, यही इन दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों एसेक्सुअल मोड है, डेसिकेशन, सो बोथ आर एसेक्सुअल मोड ऑफ, क्योंकि सिंगल पेरेंट की जरूरत है, तो इसलिए हाँ, ओके नाउ आई विल क्लियर इट।
नेक्स्ट इज द थर्ड मोड ऑफ, अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में दोनों समझ में आ गए आपको कि किस किस तरीके से हुआ? एक मतलब अंदर है तो वो क्या है कि हीट और केमिकल, उसके लिए कोल्ड कंडीशन और केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट है, और दूसरा हीट और डेसिकेशन गर्मी के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये बस आपको देखना है। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, वो भी बैक्टीरिया में होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप ये मुझे बताइए कि साइनोबैक्टीरिया में ए सेक्सुअल होगा कि सेक्सुअल? क्योंकि दोनों ही, चाहे एंडोस्पोर हो और चाहे एक्सोस्पोर हो, होते तो सिंगल पेरेंट से ही हैं, तो इसलिए वो एसेक्सुअल हुआ। नाउ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है कंजुगेशन, ये आगे के आएंगे जब हम और आगे देखेंगे आर्गी बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया, तो हम उसमें देखेंगे किस तरीके का होगा। कंजुगेशन में क्या चीज होती है कि इसमें इन दिस केस टू सेल, फादर सेल एंड मदर सेल, ये कंबाइन हो जाएंगे। सो ऐसे एफ और हर करके लिखा गया है, बस अब ये देख लीजिए कि इनका कंजुगेशन होता है। इसमें से एक बड निकल रही है, तो बड निकल रही है, अब बड निकलने के बाद देखो क्या हुआ, इसमें से छोटी सी बड निकली और फिर दोनों मिल गए, और एक ने अपने में से एक डीएनए, ये डीएनए दिख रहा है कि कैसे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का कंजुगेशन हो गया, और फिर उसके बाद इसने इसमें अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक से एक में। तो जिससे ट्रांसफर होता है उसे फादर कहते हैं, जिसने ट्रांसफर किया, जैसे ह्यूमन में स्पर्म ट्रांसफर होता है, इसी तरह पॉलन ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, तो उसे फादर कहते हैं कि नहीं, एंड्रोइशियम, तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन या एंड्रोइशियम कहते हैं। तो उसी तरीके से जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसको फादर, और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसे हर कहेंगे, फादर और हर। तो इस तरीके से HFR, अब ये जब इसमें ट्रांसफर हो गया ये अलग हो जाएगा, देखो किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, तो अब ये आगे देखो, तो इसमें अब ये ट्रांसफर हो गया, और ये फिर से इसने जो अपना अपेंडिजेस था वो हटा लिया, और हटाने के बाद फिर इसके बाद ये रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। सो इसके बारे में भी दो चार लाइन लिख लें, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो वॉट इज द कंजुगेशन, कंजुगेशन में क्या चीज होती है, देयर आर टू सेल्स जिसमें दोनों में जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। सो एक इसमें पाइलस जैसा निकल जाता है, जैसे बैक्टीरिया में पाइलस निकलता है तो इसमें भी पाइलस निकल जाएगा, और दोनों में जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक कड़ी की तरह है, चेन की तरह ये कड़ी है ऐसे, और इसी तरीके से इसमें भी मुड़ी हुई माला हेलिकल ये। अब इसके बाद क्या होगा, दे विल गेट कंजुगेटेड, और अच्छा कंजुगेटेड में इन्होंने कहा है जिससे कंजुगेशन होगा उसको हर कहेंगे, हर से कंजुगेशन होगा, हर से पाइलस निकला, तो हर से पाइलस निकला और एफ तक गया। इट इज ओनली टू रिसीव द जेनेटिक मटीरियल। अब देखो फिर इन दोनों में ये चेन है, आफ्टर दैट क्या होगा कि फ्रॉम एफ ए सर्टन जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड टू हर, कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इसने अपनी एक कड़ी इसमें ट्रांसफर कर दी, वो एक लिंक है, इट इज इसमें ट्रांसफर हो गया। आफ्टर दैट क्या होगा कि जिसमें ट्रांसफर हो गया इसका फिर पाइलस अलग हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा जब रिसीव करने के बाद, और एक में दोनों चीजें रहेंगी, तो ये है और इसमें ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और साथ में ये अलग हो गया। इस चीज को नाउ आफ्टर दैट इट इज रिकम्बिनेशन इज कंप्लीटेड, यहां पर क्या बताया जाएगा, रिकम्बिनेशन कंप्लीटेड। वो इसमें ऐसा हुआ होगा कि इसमें रेप्लिकेशन हुआ होगा, यानी कहीं ना कहीं
अगर आप देखें इसको लिखने के बाद समझ में आएगा, देन वी विल एक्सप्लेन इट. सो कंजुगेशन इन विच टू बैक्टीरिया लाई साइड बाई साइड इन दिस टू बैक्टीरिया, जिसको पॉपुलेशन भी कहते हैं, कि फिजिकल ज्वाइनिंग, टू बैक्टीरिया लाई साइड बाई साइड, ठीक है, फॉर एज मच एज हाफ एन आवर, फॉर एज मच एज हाफ एन आवर. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ए पोर्शन ऑफ जेनेटिक मेटीरियल इज स्लोली पास्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम विच इज डेजिग्नेटेड एज मेज. ड्यूरिंग दिस पीरियड ए पोर्शन ऑफ जेनेटिक मेटीरियल इज स्लोली पास्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम विच इज मेल टू ए रेसिपिएंट, टू अ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के पास भेज दिया जाए. अब जरा देखो, ठीक है, जो कि फीमेल है. दिस वॉज एस्टेब्लिश दैट मेल मेटीरियल एंटर्स फीमेल इन ए लीनियर सीरीज. तो एक लाइन या माला के तौर पर वो इसमें चला गया है. तो इसको कहते हैं कंजुगेशन. अब कंजुगेशन फिर क्या है, तो अब आगे का प्रोसेस देखें. दिस इज कंजुगेशन, एक में से जो दूसरे में चला गया कहते हैं कंजुगेशन. तो कंजुगेट हो गए, ठीक है. कंजुगेट का मतलब क्या समझते हो, जैसे कि अगर 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3 है, इसको कहेंगे ये दूसरे एक दूसरे के कंजुगेट है. कंजुगेट का मतलब पेयरिंग उन्हीं की होगी जो आपस में अपोजिट नेचर के होंगे. तो कंजुगेशन का मतलब है मीटिंग ऑफ टू बैक्टीरिया ऑफ अपोजिट नेचर. इसका लिटरल मीनिंग ये है, मीटिंग ऑफ टू बैक्टीरिया ऑफ अपोजिट नेचर. तो ये चीज बात हो गई कंजुगेशन. नाउ वी विल सी कि और क्या चीज बताई गई है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा. साइटोजेनिक ऑब्जर्वेशंस एंड जेनेटिक स्टडी इंडिकेट दैट समथिंग लाइक सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल. तो टू डिफरेंट सेल आपस में फ्यूज हो जाएं एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल अकर इन बैक्टीरिया ऑल्दो इनफ्रीक्वेंटली. तो यहाँ पर भी एक तरीके का ट्रांसफर तो हो ही रहा, दोनों फ्यूज हुए और ट्रांसफर हुआ. जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर्स इन दोज बैक्टीरिया दैट हैव बीन केयरफुली स्टडीज एंड प्रिज्यूमेबली अकर्स इन अदर स्पीसीज एज वेल. वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीज इज द एस्चेरिका कोली, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा में पाया जाता है ई कोली, और ज़्यादातर बीमारियों की जड़ है, जैसे डायरिया हो गया, ये सब ये पानी में ई कोली चला जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में पाया जाता है. एंड अल्टीमेटली इट गोज इन अवर गट दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक एंड वी गेट डिसीज, जैसे डायरिया हो जाता है, उल्टी आने लगती हैं. सो इस तरीके से ई कोली में ये देखा गया. हैज बीन शोन टू हैव सेक्स सम एक्ट एज मेल एंड ट्रांसफर जेनेटिक मटीरियल बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. दिस एबिलिटी टू ट्रांसफर जीन्स इज रेगुलेटेड बाई ए फर्टिलिटी फैक्टर एफ विच कैन इट्सेल्फ बी ट्रांसफर्ड टू ए फीमेल देयर बाई कन्वर्टिंग हर इन टू विच कैन इट्सेल्फ बी ट्रांसफर्ड टू ए फीमेल देयर बाई कन्वर्टिंग हर इन टू ए मेल. तो जब ये चीज़ उसमें डाली जाती है तो उसको वो ट्रांसफ़र करके मेल में कन्वर्ट कर देता है. बस यही है कंजुगेशन का मतलब है कि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दिया और दैट इज़ एफ प्लस कहा गया. तो फर्टिलिटी फैक्टर
एफ प्लस यानी फीमेल, एफ माइनस इज मेल, दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट मच कंसर्न, तो वो हायर स्टडीज में आएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि बस एक जो है मेल है जिसने ट्रांसफर किया, और जिसने लिया वो रेसिपिएंट है, बस इतनी सी बात है। तो ये कंजुगेशन हो गया इन दोनों का, जो अपोजिट नेचर के मिल गए और ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ और भी चीज़ें दी गई, ये चीज़ किस में पाई जाती है बताओ, ई कोली में, एंड दैट इज द फीमेल गेट कन्वर्टेड इंटू मेल आफ्टर कंजुगेशन। तो फीमेल बैक्टीरिया गेट कन्वर्टेड इंटू मेल आफ्टर कंजुगेशन। एक तरीके का ये रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि दो बैक्टीरिया दो ही बैक्टीरिया रहे, तो लेकिन एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एंड समथिंग विच अकर्स इन हायर स्पीसीज, जैसे पॉपुलेशन होता है, कुछ ट्रांसफर होता है, तो लोग इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दायरे में लाते हैं कि ट्रांसफर एक से दूसरे में हुआ तो ऐसा कुछ हुआ तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो। दो देर इज नो न्यू बैक्टीरिया, नथिंग इज रिप्रोड्यूस, देन ऑल्सो हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर हुआ है तो ये एक कंजुगेशन है। इट लुक्स लाइक, इट अपियर्स लाइक दिस। ट्रांसडक्शन क्या होता है बोलिए, एनीथिंग। द जेनेटिक ट्रांसफर इज अचीव्ड बाय प्रोसेस नोन एज ट्रांसडक्शन। द जेनेटिक ट्रांसफर इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ट्रांसडक्शन। What is this? That is the Lederberg and Zinder experimented and Salmonella typhi murium indicated that bacteria virus that is bacterial viruses or phage are responsible for the transfer of genetic material from one to other. That is, thus the host acquires a new genotype and transduction has been demonstrated in many bacteria in which DNA molecule which carries the hereditary character of the donor bacterium is being transferred to recipient cell through the agency of the phage particle. This process very few closely linked. तो इसमें ये बात कही गई है कि जो phage particle है वो attack करता है, जैसे यहाँ देखो कि होता क्या चीज है इस तरीके से, कि दीज आर फेज पार्टिकल दैट इज ट्रांसडक्टिंग पार्टिकल्स दैट इज होस्ट। तो ये होस्ट है, ये चाहता है कि कोई इसको स्वीकार कर ले, कोई इसको रिसीव कर ले। जैसे आपके घर में आप होस्ट होते हो और आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो गेस्ट है, तो इसी तरीके से ये एक तरीके का वायरोफेज है, ये एक तरीके का वायरस है जिसके पास डीएनए है। तो अगर इससे बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ परिवर्तन आ जाए तो हम कह देंगे ट्रांसडक्शन हुआ। ये अपना डीएनए इसमें जोड़ दे तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया सेल है, देखो लिखा है कि नहीं बैक्टीरिया सेल, एक बैक्टीरिया एक वायरस है, देख लो ये सब वायरस हैं, इनके पास सिर्फ डीएनए, इसके पास सेल की कोटिंग भी नहीं है, सिर्फ डीएनए है, न सेल वाल है न कुछ है, तो इस तरीके से ये वायरस है। तो ये एक तरीके का फेज भी बोलते हैं या वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया। अब जब बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया तो क्या हुआ बताओ, या तो कुछ ना कुछ इसमें ये साइकिल प्रोड्यूस करेगा, और बहुत ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक तरीके का डीएनए मटेरियल है, ये बहुत डॉट सा दिख रहा है। अब आप देखो तो इसमें ये चीज़ इसके अंदर एक कॉमा बना हुआ है, मैं जितना इस बड़ा कर दूँ इससे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखोगे तो इसके अंदर एक कॉमा दिख रहा है। यस सर। तो वो अपना कॉमा इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये देखो कॉमा अंदर चला गया, दिख रहा है ये कॉमा अंदर चला गया। यस सर। अच्छा, किसी के तो कॉमा किसी तरीके से भी अंदर जा सकता है, या तो सेल वॉल कोई ना कोई एक साइकिल है, बस वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद चला गया तो क्या हुआ, इसने इसको तोड़ दिया, इसके सारे जो डीएनए का मॉलिक्यूल उसको ब्रेक कर दिया, और फिर अलग अलग सेल वॉल बना लिए। अब सेल वॉल बना लिए, चूंकि अब इसने इससे सेल वॉल पा ली, तो अब ये फिर जब ये टूटेगा
तो बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, लेकिन उनका डीएनए बदल जाएगा, क्योंकि बाहर से आने वाला डीएनए और अंदर वाला डीएनए अब दोनों रिकम्बाइन हो गए हैं, अब उनमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब टूट फूट, बोलो समझ में आई बात। तो उसने बाहर से अपना डीएनए ट्रांसफर किया और बोलो म्यूटेशन कर दिया कि नहीं। और ये जो सर बैक्टीरिया बने, जरा फिर से देखो, यहाँ देखो, ये देख लीजिए आप, एक सिंगल में ये बाहर से एक ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल है, उसने अपनी चीज़ इसके अंदर ट्रांसफ़र की और बाहर बैठा रहा, लेकिन अपना मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने ट्रांसफ़र किया और वो जाके कहीं ना कहीं उसमें चिपक गया हो। तो बोलो इसके डीएनए में चेंज आ गया कि नहीं आ गया। yes, तो कोई भी एक पैटर्न हो सकता है, चाहे तो ये चीज़ आ जाए या वो तोड़ के अलग अलग सेल बना ले। तो दो अलग अलग है, लाइसोजीनिक फेस या लाइटिक फेस। अगर तोड़ दे तो लाइटिक फेस, और अगर अपना जोड़ दे तो लाइसोजीनिक फेस। ये लाइसोजीनिक फेस है, इसमें अपनी चीज़ इसमें जोड़ दे रहा है, उसका जीन बदल दे रहा है। और लिटिक का क्या मतलब होता है बताओ, तोड़ना होता है कि नहीं। तो वो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि या तो इसे लाइसोजीनी कहेंगे। अब लाइसोजीनी नीचे दिखाया गया है, लाइसोजीनी में क्या होता है कि ये देख लो, और एक है लिटिक फेस, जरा यहाँ देखो, ये यहाँ पर अपना जोड़ दिया उसने, समझ में आ गई कि नहीं। और एक होता है तोड़ दिया, तो ये लिटिक फेज है, ये लिटिक फेज है, और लाइसोजीनिक फेज। हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो उसके आगे बीएससी में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई। यस तो अब हम इसके बारे में दो तीन लाइनें लिख लें कि ये ट्रांसडक्शन भी, ये भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल का परिवर्तन है, तो हमें इसे जान सर, लेना चाहिए इसमें कि तो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। ऑफ स्प्रिंग इसमें किसी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग आगे प्रोड्यूस होंगे वो इट इज ओनली बाई माइटोसिस एंड बाइनरी फिजन। हाउ एवर इट इज ए काइंड ऑफ, बिकॉज कॉपुलेशन, और इट इज ए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन टू अनदर। अगर हम देखें तो लिटिक फेज में बहुत सारे अंदर सेल बन जाएंगे, और वो सारे जब बस्ट करेंगे तो वही फिर अलग अलग बैक्टीरिया होंगे, ये कहा जा सकता है। ना तो ट्रांसडक्शन में हो रहा था, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम सेक्सुअल फेज कह रहे हैं। फिर उसके बाद बाइनरी होगा, मान लो जैसे यहाँ पर अब इसने इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब इसके बाद जब इसका बाइनरी फ्यूजन होगा तो उससे अलग चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं पहले ट्रांसफर किया गया, फिर बाद में बाइनरी जब फिजन होता है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन इससे नई प्रजाति पैदा हो सकती है। तो दैट इज आफ्टर आफ्टर कंजुगेशन, इफ देयर इज बाइनरी फिजन देन इट कम्स अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंजुगेशन करना एक रिप्रोडक्शन नहीं है, अपने आप में कोई प्रक्रिया नहीं, बस ट्रांसफर हुआ है, समझ में आई बात। यस इट सर शुड बी फॉलोड बाई माइटोसिस। तो अब जरा देखो ट्रांसडक्शन क्या चीज है, दो तीन लाइन इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे, तीन तरीके से होता है इसमें। सो द जेनेटिक मेटीरियल इज ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। नाउ इन साल्मोनेला ट्राई फी म्यूरियम, ये भी हमारे अंदर, मतलब ये पौधों के अंदर बीमारी पैदा करता है। तो जहाँ पर हम लोगों ने पीछे देखा था, वहाँ पर देखा जा सकता है कि इससे क्या बीमारी होती है, दैट वी विल साल्मोनेला है, ये एंटीराइटिक फीवर पैदा करता है साल्मोनेला। सो जो भी हो, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद, एंड वी शुड राइट वॉट इज ट्रांसडक्शन इन साल्मोनेला टाई फीम्यूरियम बैक्टीरियल वायरस और फेज। बैक्टीरियल वायरस या फेज भी कह सकते हो, फेज। तो ये जो चीज है, वायरस होते क्या है, पहले ये भी जानना होगा कि वायरस होते क्या है। दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, उनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। एंड जैसे आपकी बुक में लास्ट में बना हुआ है कि वायरस को बिल्कुल अलग रखा गया, उनको लिविंग बीइंग तक नहीं माना गया है। सो एंड दे हैव ओनली आइदर डीएनए और
आरएनए एंड दीज आर पॉलीहीड्रन, ये एक तरीके के होस्ट हैं जो कहीं ना कहीं किसी के अंदर जाए तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें ना ग्रोथ की क्षमता होती है ना रिप्रोडक्शन की। तो इनमें बहुत पॉलीहीड्रन है, बहुत सारी फेसेस हैं, सरफेसेस, तो उनको हीड्रन कहते हैं, तो पॉलीहीड्रन है। एंड दे ओनली कंटेन जेनेटिक मटीरियल। नाउ अब देखो, तो वायरस को कहीं नहीं रखा गया है, फिर इसलिए चूंकि ये बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है तभी इसका नाम बैक्टीरियल वायरस दे दिया गया है। बैक्टीरियल वायरस और फेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल तो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है। इट टेक्स प्लेस आइदर बाय लाइसोजेनिक और लाइटिक प्रोसेस। दैट इज बोथ डीएनए या फेज डीएनए कंबाइंस विद बैक्टीरियल डीएनए। फेज DNA combine with bacterial DNA या दूसरा क्या है, और by lytic process, तो दूसरा क्या है lytic यानी breaking of bacterial DNA and later on मर्जिंग ऑफ बोथ डीएनए, फिर मर्ज होगा उसको लिटिक कहेंगे। तो दो प्रोसेस से होता है प्रोसेस। ओके, सो इट इज दिस। नाउ इन दिस वे द हेरिडिटरी करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायरस टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। इन दिस वे हेरिडिटरी करेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायरस टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। दिस इज म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब भी परिवर्तन आता है तो उसको कहते हैं म्यूटेशन ऑफ टूट फूड, विखंडन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ अब हम इसमें देखेंगे, एक इसको फिगर से समझ लेंगे कि ये होता क्या है, कैसे अकर करेगा। सो जैसे कि बहुत सारे इन सब में ये अंदर जेनेटिक मटेरियल है और हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, वो भी ओपन ही है, उसका कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। तो ये और ये आगे आ जाएं और ये इसके ऊपर बैठ जाए, एम के ऊपर ये बैठ जाए, तो बैठने के बाद अब क्या होगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो जेनेटिक मटेरियल इसने ट्रांसफर कर दिया और ऊपर बैठा रह गया, सेल वाल उसकी रह गई और ये अंदर चला गया। इसके बाद अब इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये एक इस प्रोसेस से चले या इस प्रोसेस से चले। देर आर टू प्रोसेस, एक तो लिटिक प्रोसेस है और एक है लाइसोजेनिक प्रोसेस। तो लिटिक प्रोसेस में क्या होगा, ये अब अंदर चला गया है, सो इट विल ब्रेक डाउन, ये जो ये वाला बैक्टीरिया है उसको तोड़ देगा, इसको ये, तो इसके कई खंड कर देगा।
वैसे सो इट इज लिटिक प्रोसेस, ये जो था उसको तोड़ दिया और अपना जो है वो भी कई पार्ट में टूट गया, जो खुद भी था उसका भी उसने या तो इसके अंदर होस्ट सेल था तो रिप्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि ये गेस्ट मिल गया ना इसको, ये भी जैसे होस्ट है, ये होस्ट था ना, दैट इज ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल, तो यहाँ पर ये होस्ट है, ये गेस्ट है, जो अंदर जाए वो गेस्ट है, ये गेस्ट ये होस्ट है, तो इसके अंदर जाके इसने इसे कह सकते हैं होस्ट, ये वायरस है, दिस इज बैक्टीरिया। अब यहाँ ये क्या हो रहा है जब इस पर बैठ गया, दिस इज ट्रांसडक्शन। जैसे हम लोगों की आवाज़ है वो एम्पलीफाई हो जाती है किसी तरीके से माइक में, तो हमारी आवाज़ में इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी डाल दी जाती है, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन, उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कई गुना तेज आवाज़ हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक तरीके का मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये अंदर चला जाएगा और उसमें परिवर्तन कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये अलग अलग एक मेन सिस्ट होगा और सबके अंदर दोनों ही बैक्टीरिया रहेंगे, तो उनका म्यूटेशन हो गया, वो छोटा वाला भी रहेगा और साथ में दैट इज ये भी रहेगा, तो ये जो चीज बन गई दिस इज कॉल्ड लिटिक प्रोसेस। और जरा दूसरा प्रोसेस देखो वो क्या चीज है, उसमें अंदर उसने छोड़ दिया और अंदर छोड़ने के बाद दिस इज लाइक ऐसा, यहां से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यानी सब कुछ वही है बट वो यहाँ पे ज्वाइन हो गया, समझ में आ गई बात। सो इट इज ओनली लिसिस और बाकी ये बाहर पड़ा रहा, सो इट इज लाइसोजेनिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है, दैट इज demonstrated that the transforming particles principle being DNA is sequence of event in bacteria transformation, that is the genetic transfer occurs by transformation in which DNA molecule of donor cell when liberated by disintegration is takes up by another recipient cell and its offspring inherit some characters of the donor cell, which देखो इसमें क्या चीज हो रही है कि when some bacteria disintegrates, कभी ना कभी तो सेल टूटेगा, then it donates its genetic material to recipient cell, टूटने पर भी दे देता है। जैसे कोई bacteria disintegrate हो रहा है तो genetic material ऐसी चीज होती है जब तक उसको lysosome ना खाए तब तक वो जाता नहीं है, बहुत tough होता है, इसीलिए तो ये जितने वायरस हैं चाहे आप कोरोना वायरस ही जा नहीं रहे, क्योंकि इनके पास सिर्फ डीएनए है, इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, हम जैसे होस्ट सेल के अंदर आके गेस्ट की तरह बैठ जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और अपना पूरा सिस्टम बना लेते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इट इज़ वेरी टफ टू डिस्ट्रॉय, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो क्या कहा जा रहा है कि व्हेन एनी disintegrating bacteria transfers its genetic material, वही जो DNA है, DNA की DNA क्या होता है बाद में, ये DNA यही बाद में क्या होगा, ये एक जैसे रुई के गोले की तरह, ये बिल्कुल रुई के गोले की तरह एक गुच्छा बना देगा जिसको कि क्रोमोसोम कहते हैं, ये एक तरीके का गोला है और इसमें ये यहाँ पर है, अगर इसे खोलते चले जाओ तो ना जाने पूरा शहर का शहर बांध लो, एक क्रोमोसोम को खोलोगे तो इतना डीएनए निकलेगा। अब जरा देखो इसमें अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें बहुत लंबी लेंथ डीएनए की होगी उसको जीन कहेंगे,
जीन का मतलब क्या, विच डिटरमाइंस एनी करेक्टरसीनेस, सो ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस एनी फीचर, कि उसकी आंख में आइरिस का कलर ब्राउन है तो ब्लू है, तो उसके होंठ पतले हैं तो मोटे हैं, नाक कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, एलील्स अलग अलग, तो उसको डीएनए कहते हैं. सो एनी पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम या एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस द करेक्टर्स और फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन. एक क्रोमोसोम में 2000 जीन होते हैं, तो इस तरीके से जीन है, तो वो अपना इसीलिए इसका नाम पड़ गया जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सब जीन तो इसी में ही है, जेनेटिक मटेरियल. टू, एक जब डाइंग बैक्टीरिया, डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, डाइंग बैक्टीरिया ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल टू अदर बैक्टीरिया, देन ऐसे केस में द रेसिपिएंट सेल क्या करता है, देन देयर इज ए चेंज इन जेनेटिक मटीरियल ऑफ रेसिपियंट बैक्टीरिया. वैसे तो जो मोनेरन्स हैं उनमें एक ही क्रोमोजोम होते हैं, दो क्रोमोजोम नहीं होते हैं या 10 नहीं होते हैं, हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं, लेकिन मोनेरन्स में तो सिंगल ही होते हैं. सो रेसिपियंट सेल, उनमें रेसिपिएंट सेल में वो बदलाव कर देते हैं. सो द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग पजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, देन आफ्टर बाइनरी फिजन हूएवर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड है, उनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक बैक्टीरिया ने दूसरे को दे दिया, सो रिकम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन. सीधी सी बात है कि मान लो अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये दो तरीके से बैक्टीरिया में होता है. कौन कौन से दो तरीके हैं, एक तो एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल. एसेक्सुअल वास्तव में यहाँ पे माइटोसिस होती है, और एक बाई एंडोस्पोर और बाई एक्सोस्पोर्स. और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, ये एक तरीके का कॉपुलेशन है, मिलना है, तो पहला क्या बताया गया, दैट इज कंजुगेशन. जब अपोजिट नेचर के बैक्टीरिया मिल जाएं तो कंजुगेशन, दूसरा वायरस अपना इसको दे दे तो ट्रांसडक्शन. ठीक है, दे के चला जाए उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन. और तीसरी चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन. सो इस तरीके से हमने देख लिया हाउ इट टेक्स प्लेस, एंड सच काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन साइनोबैक्टीरिया. तो हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई उसमें किस किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप, जिसको कि क्या कहते हैं, आर्किबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के हमने एग्जांपल्स भी आपको बता दिए थे. अच्छा, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है बताइए, इट इज आर्किबैक्टीरिया. These are also called ancient bacteria. These are also called, बहुत पुराने जमाने में जब हार्श कंडीशन थी, ठीक से एटमॉस्फेयर भी नहीं डेवलप हुआ था, तो उस समय बैक्टीरिया ही थे जो उसमें जी सकते थे. पूरा मीथोजेनिक था,
पूरा मीथेन मीथेन ही था, तो मीथेनोजेनिक था। सब तरफ CH4 थी, O2 नहीं थी एटमॉस्फेयर में, तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता था और यही करते थे। एनएरोबिक यानी बिना एयर के ही एनर्जी पा लेते थे, तभी तो मीथेनोजेंस इसी में आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एंशियंट बैक्टीरिया। 10th की बुक में स्टेनले मिलर का प्रयोग दिया गया है, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो उन्होंने पुराने जमाने की जो एंशियंट एटमॉस्फेयर है उसको बना के दिखाया कि वैसा एटमॉस्फेयर तैयार करके दिखाया, फिर उसमें बैक्टीरिया को सरवाइव करा के दिखाया। स्टेनले एंड मिलर दो साइंटिस्ट ने ऐसा करके दिखाया कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस थी, अमोनिया थी, CO2 थी, उससे मीथेन कैसे बनी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हफ्ते तक उसमें उन्होंने स्पार्क दिया और स्पार्क देने के बाद मीथेन तैयार हुआ और जो लिक्विड था उसमें एसिटिक एसिड तैयार हुआ। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हाउ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंशियंट कंडीशन। इस तरीके से बैक्टीरिया भी पैदा हुए, तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब जरा देखो, सो दीज आर कॉल्ड एंशियंट बैक्टीरिया। द सेल वॉल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज यूनिक एंड मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन। द सेल वॉल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड, बहुशर्करा, पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है, एंड प्रोटीन। और साथ में ये जो इसकी सेल वॉल होती है, द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच चेन लिपिड्स, द उसमें लिपिड भी होगा। देखो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी, अब लिपिड भी है। द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। सेल वॉल तो सेलुलोज की हो गई, कागज की तरीके की, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दबनी चाहिए, तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल। तो उसमें लिपिड आवश्यक है सेल मेम्ब्रेन में, उसे प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होनी चाहिए। सेल वॉल तो चाहे पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज की बन जाए या काइटिन की बन जाए, तो इस तरीके से पॉलीसेक्राइड है तो मेनली इनकी काइटिन की बनी हुई होती है। जैसे कि कॉकरोच की आउटर स्किन है या सभी इंसेक्ट की आउटर स्किन है वो काइटिनस है, वैसे ही फंगी के बाहर भी जो सेल वॉल है वो काइटिन की होती है। तो उसका हमने फार्मूला आपको बता दिया था, नेट में भी मिल जाएगा। और इसकी भी सेल वॉल पॉलीसेक्राइड यानी काइटिन की है, जबकि सेल मेम्ब्रेन किसकी है? सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, कंटेन्स ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। और लिपिड्स भी कैसे? फैटी एसिड्स, बहुत जैसे फैट से फैटी एसिड्स बन जाते हैं, तो फैट है तो इस वजह से इनका pH जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो दे हैव एक्सट्रीम टॉलरेंस ऑफ हीट, ये खुद ही एसिड हैं, फैटी एसिड्स खुद एसिड्स हैं। दे हैव एक्सट्रीम टॉलरेंस दैट इज टॉलरेंस टू हीट एंड एसिडिक एटमोसफियर, एसिडिक एटमोसफियर। जैसे कि आप ये देख लो C3H7CHO, ये क्या है? क्या ये अमूल बटर है? ये फैट है। और अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो C3H7COOH बन गया, तो इस चीज़ को कहते हैं फैटी एसिड्स। तो ये ब्यूटायरिक एसिड बन गया, अब अमूल बटर कड़वा हो गया, ब्यूटायरिक एसिड। तो व्हेन फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, इसको कहते हैं रेंसिडिटी। जब फैट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है बताइए? फैटी एसिड। इट स्मेल्स फाउल्स, विनेगर को कभी सूंघा है? सिरके को, एसिटिक एसिड को, बोलो, चाउमीन में जो पड़ता है तो वो कैसी बदबू देता है। इसी तरीके से जो सब्सटेंस हैं वो फाउल स्मेल करने लगते हैं, फैटी एसिड्स बन जाते हैं, एंड अनफिट टू ईट, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी हो गई, तो रेंसिडिटी तो हो गई, लेकिन क्या इसका पीएच ज्यादा, अब इसका पीएच कम हो गया, कितना हो गया बताइए? क्या लेस देन 7 हो गया? यस सर। अब ये जो है इनमें
ये आर्किबैक्टीरिया सब चेन है, देख लो चेन दिख रही है कि नहीं, पॉली ये लिपिड की चेन है लंबी लंबी, मैंने तो 3 तक बताया, बट ये 3 नहीं होंगे, ये 50 होंगे, 100 होंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, छोटे मोटे नहीं है ये, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, मैंने तो बहुत प्राइमरी बताया आपको। तो अब ये क्या होते हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल कंडीशन, खुद तो एसिडिक हैं, तो एसिडिक वाटर में भी रह लेते हैं, तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर में रहने वाले ये थे, और चूंकि इनका चेन लाइक सेलुलर मेम्ब्रेन है तो कोई चीज़ इनके अंदर जा नहीं सकती, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो इनकी सेल वॉल पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की बनी है, जबकि इनका सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना है जैसा हम सब का बना होता है, बट इनमें जो लिपिड है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, और वो क्लोजली मोतियों की भांति इसको किस तरीके से पूरी तरह से घेरे रहते हैं, सो इन दिस वे इट इज़ पूरे में ये रहेंगे, ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया है। तो नॉस्टॉक वैसे हमने आपको बताया था, इट इज़ साइनोबैक्टीरिया में भी बताया था कि नॉस्टॉक होता है, एंड वी विल नाउ री इंस्पेक्ट That Nostoc comes under which category, ठीक है कि नहीं, तो वहाँ पर तो उन्होंने पहले बता दिया था कि Nostoc उसमें आता है, now we will see whether it is coming, क्योंकि इसमें जो हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं वहाँ भी Nostoc लिखा है देखो, और जो आर्किबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं वहाँ भी Nostoc लिखा है कि नहीं, Nostoc, तो whether ये उसमें डालना चाहते हैं कि इसमें, इसको नेट से हम पता कर लेंगे। तो हमने आपको कुछ फीचर्स बताए कि क्या क्या होते हैं आर्किबैक्टीरिया के और किस तरीके से इनकी सेलवाल चेन की होती है, बाकी इसके जो और भी फीचर्स हैं वो अब थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, क्योंकि मेनली हमने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है, बाकी माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना है, थोड़ा आर्किबैक्टीरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट था साइनोबैक्टीरिया जिसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, उनका रिप्रोडक्शन मोड बता दिया और जो करेक्टर्स थे वो बता दिए, बाकी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।